नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अट्ठाईस जून को संजय राउत की होने वाली ईडी की पूछताछ पर संजय राउत की प्रतिक्रिया, कहा मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मैं अपनी हाजिरी जरूर लगाऊंगा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे लेट कर किया धरना प्रदर्शन। रेलवे पुलिस बल द्वारा लोगों को हटाकर खाली किया गया ट्रैक। और विधायक विकास ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस का आंदोलन, अग्निपथ योजना को वापस लेने की गई मांग। अब खबरें विस्तार से। शिवसेना के नेता संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है। उन्हें 28 जून को मुंबई में स्थित ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिस पर संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूं, मैं जरूर पूछताछ में अपनी हाजिरी लगाऊंगा। गुवाहाटी गए हुए शिवसेना के नेताओं का कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही है और हमारे घरों पर अन्याय हो रहा है। इस पर संजय राउत को पूछे जाने पर वह सफाई देते हुए बोले कि उन नेताओं को धमकियां नहीं दी गई है, उन्हें सिर्फ इतना कहा गया था कि जो नेता भाग गए हैं उनका शरीर गुवाहाटी में है लेकिन आत्मा मर गई है, और ऐसे शरीर जब यहाँ आते हैं तब वह निर्जीव और मृत रहते हैं। उन्होंने मेरे वक्तव्य का अर्थ समझना चाहिए। कल मेरी अलीबाग में सभा है और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से, उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूँगा, लेकिन ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊँगा। मैं भागने वाला नहीं। सर, आपका बयान एक पहले चर्चा में है जिसमें लाश को लेकर गुवाहाटी जाने को लेकर मुंबई जाने को लेकर ऐसा बंडा है। सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई शुरू है, याचिका करते हैं ऐसा बंडा है कि आम्ही मुंबई महाराष्ट्र में येऊ शकत नाही, पण आमच्यावर हल्ले होता है, आमच्या घरावर हल्ले होते, आम्हाला धमक्या दिल्या जातात। असं तुम्ही त्याने मराठी भाषा समजून घेतली पाहिजे। मी काय म्हणालो आहे, मी इतकंच म्हणालो की जे गुवाहाटीला आता आहे ते शरीरानं तिकडे आहे, त्यांचा आत्मा मेला आहे, आणि असे शरीर जेव्हा इथे येतं तेव्हा ते निर्जीव आणि मृत असतं, याचा अर्थ समजून घ्या। हिंदी में हिंदी में सर, ये महत्वपूर्ण है, इसको लेके कन्फ्यूजन है, कोर्ट में इसका जिक्र है, हिंदी में बताइए सर क्या बोला था आपने। इतना ही कहा था सर, जो लोग 40-45 कितने भी हो जो गुवाहाटी में है उनका जमीर, उनका आत्मा मर चुका है, और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बॉडी ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? अब तो सिर्फ पोस्टमार्टम का है, लोग उनका उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं, ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आहे कोर्टात, जे म्हणणं मांडलं गेलंय की त्यांना अधिकार नाही आहे। मला कोर्टामध्ये काय चाललंय त्याच्याविषयी मी कोणतेही भाष्य करणार नाही, ती न्यायालयीन लढाई आहे, ती कायदेशीर लढाई आहे, त्यासाठी आमची लीगल टीम, आमचे शिवसेनेचे काही प्रमुख लोक दिल्लीमध्ये उपस्थित आहेत। सामाजिक क्रांति के प्रवर्तक राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर रविवार 26 जून को संभागीय आयुक्त डॉक्टर श्रीमती माधवी घोड़े चावरे ने राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त कार्यालय के उप तहसीलदार आर के दिघोले और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की प्रतिमा पर गुलाब चढ़ाकर उनका अभिवादन किया। नाबालिग छात्रा जब ट्यूशन क्लास से घर लौट रही थी तो युवक उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर सालवा के जंगल में ले गया, वहां उसका यौन शोषण किया गया, जिसके बाद उसने गुस्से में उसकी गर्दन और पेट में चाकू मार दिया। घटना मंगलवार 21 तारीख की है और आरोपी को पुलिस ने बुधवार 22 तारीख को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी धीरज सुरेश शिंदे मृतक मोदा के शिवाजी नगर की रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा है। आरोपी धीरज ने पुलिस को सूचित किया कि उसे मोदा शहर के जनता हाईस्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का दूसरे किसी छात्र के साथ प्रेम संबंध होने का संदेह था। शक होने पर वह उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठाकर सालवा के जंगल में ले गया। शाम करीब 4 बजे उसके साथ दुष्कर्म किया गया, इसके बाद उसने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। धीरज सबूत मिटाने की नीयत से शव को जंगल में फेंक कर गाँव की तरफ भाग गया था।
हालांकि पुलिस जांच के अंत में आरोपी धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया और मोदा पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग मृतक छात्रा के माता पिता की ओर से की जा रही है। इसी मांग के चलते पुलिस स्टेशन मोदा में नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। माझी मुलगी सकाळी ट्यूशनला गेली होती, तिचा रोजचा रोटेशन होता 8 वाजता जाणे आणि 10:30 वाजतापर्यंत घरी येणे। रोजच्या प्रकारे ते जात होती आणि येत होती, पण 21 तारखेला मंगळवारी 21/6/2022 मंगळवारी ते ट्यूशनला गेली तर ती घरी वापस आलीच नाही। आणि त्यांच्या मुलीला विचारणा केली असता त्या मुली म्हणाल्या की हो, धीरज शेंडे या मुलासोबत गेले। ते पण संध्याकाळी सांगितलं आम्हाला, दुपारी फोन केला असता सांगितलं नाही। आम्ही शोधाशोध केली, इकडे तिकडे खूप शोधाशोध केली, मग पोलीस रिपोर्ट केली। त्याच्यानंतर आम्हाला असं माहीत पडलं की हिला चापेगडी साळवा या जंगलामध्ये नेऊन तिचा क्रूर हत्या केली, बळजबरीने तिच्यासोबत काहीतरी केलं आणि बळजबरीने क्रूर हत्या केली। अशा नराधमाला त्याला फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे असं माझं मत आहे। कारवाई पूर्ण सखोल कारवाई त्याच्यावर व्हायलाच पाहिजे असं माझं पूर्ण मत आहे। आणि त्याच्यासोबत जे मित्र होते त्याचे त्यांना पण पोलिसांनी आपल्या हवाले केले पाहिजे आणि त्यांना पण सजा व्हायला पाहिजे। माझी मुलगी क्लासला सकाळी 8 वाजता क्लासला गेली आणि क्लासवरून घरी आलेली नाही, तर माहिती पडलं की धीरज शेंडे यांनी तिला बळजबरीनं पकडून नेलं आणि मारहाण करून तिचा प्रशासनाला अशी माग आहे की त्याला फाशीची सजा व्हायलाच पाहिजे। नाही, मी तिला विचारलं असं, तिथे मला काहीच नाही असं सांगितलं की मी आहे म्हणून सण्यानी, पण मी तिला हे विचारलं की बेटा कोणी काही धमकावते का, काही करते का, तिने मला काहीच असं काही सांगितलं नाही। कारण तिच्या मैत्रीण पण तिच्यासोबत होत्या। आता मी जे विचारते की माझी मुलगी घरी आली नाही म्हणून मी सगळ्यांना विचारून दे, तर त्या सांगत होत्या का, आता त्या सांगत आहेत की हो आम्हाला माहिती होतं, पण त्यांनी मला आधी कधीच नाही सांगितलं। नाही, तिनं तर मला काहीच नाही आणि घरी तर अशी बिलकुल म्हणजे नॉर्मलच राहायची। युवा काँग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजनी रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर गाड़ी के आगे लेट कर धरना प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे तक ट्रेन को रोक कर नारे निदर्शन करने के बाद रेलवे पुलिस बल द्वारा ट्रैक पर से लोगों को हटाकर ट्रैक को खाली करवाया, उसके बाद पैसेंजर गाड़ी को आगे रवाना करवाया गया। शिवसेना के नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए हुए लोगों पर प्रतिक्रिया दी थी, जिस पर नाराज हुए शिंदे समर्थकों ने पालिका मुख्यालय के सामने संजय राउत के पुतले का दहन किया। शिंदे के समर्थकों ने कहा कि प्रतीकात्मक प्रतिमा संजय राउत के विचारों की थी। संजय राउत ने शिंदे समर्थकों को निशाना बनाते हुए प्रश्न किया था कि तुम्हारा बाप कौन है, जिस पर नाराज शिंदे समर्थकों ने विरोध जताया और संजय राउत के पुतले का दहन किया। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
आप सबका फिर से स्वागत है। शहर के शाहगंज इलाके में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया है। कांग्रेस द्वारा औरंगाबाद के शाहगंज क्षेत्र में गांधी प्रतिमा के सामने आज विरोध प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि केंद्र सरकार युवाओं के लिए अग्निपथ योजना के निर्णय को वापस ले, जिससे देश के युवाओं को बहुत नुकसान होगा। आंदोलन का आयोजन कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष हिशाम उस्मानी के मार्गदर्शन में किया गया था। इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ते पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति थी। इस समय कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी घोषणा दी गई। शाहगंज इलाके में आज आंदोलन संपन्न हुआ है। जो 4 साल का जो कार्यकाल किया गया हुआ है, जिसके अंदर 1 साल की ट्रेनिंग और 3 साल का सर्विस दे रहे, और जिसमें जो 11 से 12 लाख रुपए हमको देने वाले, सबसे पहले ये सरकार का निषेध, और जो मंत्री ने, भाजपा के मंत्री ने जिन्हें बोला है कि हम वॉचमैन की और सिक्योरिटी की गार्ड की से जॉब हम ये अग्निपथ के जितने भी लोग हैं उनको भाजपा के कार्यालय भी देंगे, ऐसे मंत्री, भाजपा के मंत्री का धिक्कार। और जो योजना अग्निपथ की सैनिक की जो है, जो आर्मी सैनिक की जो आती, वही योजना कंटिन्यू होना चाहिए। जो सैनिक अपने जान पे खेलते हुए देश की रक्षा करता, वो रक्षा के उसके अंदर वो कंटिन्यू पुरानी वो होना चाहिए। ऐसी भाजपा सरकार जो सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रही, ऐसी सरकार जो बच्चों को आश्वासन देते हुए बेरोजगारी बढ़ा रही, अग्निपथ 4 साल दे रही, ये अच्छी बात नहीं है। रोजगार उससे बेरोजगारी और बढ़ेगी, और जो लोग बाद में उनकी एज जब बढ़ जाएंगी तो कौन उनको रखेगा। इसलिए जो पुरानी योजना है, जो आर्मी की जो सिस्टम से काम करे गए हुआ है इस देश के अंदर, उसी सिस्टम से पूरे युवाओं को लेना चाहिए। आज औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी तरफे शाहगंज गांधी पुतला ये थे औरंगाबाद शहर कांग्रेस थे सगळे नेते पदाधिकारी कार्यकर्ते सत्याग्रहावर आम्ही बसलेले। आमची मागणी आहे की केंद्र सरकारने जे अग्निपथ योजना लागू केलेली आहे सैन्य दलाच्या भरतीमध्ये, ते तुरंत परत घेतली पाहिजे, ते वापस घेतली पाहिजे, ते योजनेचा आम्ही निषेध करतो। आमचं असं मत आहे की हे योजना हे देशासाठी घातक आहे। युवांनी जे स्वप्न पाहिलं होता देशाचे सेनेमध्ये जाऊन आपली सेवा देण्याचा, ते स्वप्नाला केंद्र सरकारने किंवा मोदी सरकारने चूरचूर केलेलं आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो। कोणताही सैनिक जेव्हा सेनामध्ये जातो तर त्याला अशी आशा असते की ते आपल्या देशासाठी आपली सेवा देईल, आणि जर गरज पडली तर ते आपली प्राणाची आहुती पण द्यायला तयार असतो। पण फक्त 4 वर्षासाठी कोणत्याही युवाला सेनामध्ये घेणं आणि त्याला 4 वर्ष वापरून घेणं आणि त्याला परत बेरोजगार करून टाकणं, हे कोणतेही विश्वामध्ये कोणत्याही देशामध्ये असं पद्धत नाही। आमची मागणी आहे की हे परत घेतली पाहिजे आणि जे जुनी भरतीची जी सिस्टम होती तेच लागू झाली पाहिजे। शहर में केंद्र सरकार की लाई गई योजना अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस की ओर से जोरदार आंदोलन किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। यह आंदोलन कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे के नेतृत्व में किया गया, जिसमें अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की गई। विधायक विकास ठाकरे ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी जब से पंतप्रधान बने हैं तब से जनता पर रातों रात कई योजनाएं लादी गई। जिस तरह किसानों पर लादे गए 3 कानून डिमोनेटाइजेशन करने के बाद लोगों का नुकसान हुआ, उसी प्रकार अग्निपथ योजना के बाद भी लोगों का नुकसान होना तय है। देश के प्रधानमंत्री और भाजपा देश के युवाओं को कहां ले जाना चाहते हैं, ऐसा सवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्रातील ही अस्थिरता कोणामुळे आली आहे हे सुद्धा जनतेला माहित आहे। एकंदरीत गेल्या 8 वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदीजी जेव्हापासून सत्तेत आहे त्यांनी देशातील जनतेवर रातोरात अनेक योजना लादल्या आणि त्या सगळ्या फेल झाल्या। आपल्याला माहित असेल शेतकऱ्यांचे 3 कायदे पारित केले लोकसभेत, ते 3 काळे कायदे 1 वर्षाच्या आंदोलनानंतर वापस गेले। जेव्हा या देशातील शेतकरी सांगत होते की हे 3 काळे कायदे आम्हाला मान्य नाही, तर त्यांना 1 वर्ष रस्त्यावर थांबवून या देशाचं नुकसान नरेंद्र मोदी सरकारने केलं। डिमोनिटायझेशन, नोटबंदी ही योजना फसवी योजना होती, आता ही अग्निपथ योजना आणली आहे ही फसवी योजना आहे। 25% लोकांना नोकरी मिळणार आहे आणि नंतर यांचे नेते कैलाश विजयवर्गीय म्हणतात की भाजपा के हायटेक कार्यालय बन रहे हैं वहां पे हम उनको नौकरी कर देंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार या देशातील युवकांना कुठे नेऊ इच्छिते हा प्रश्न पडला आहे। आणि एकंदरीतच मला वाटते या सरकारने घेतलेल्या, सरकारने बनवलेल्या पॉलिसी, या सरकारने जे जे निर्णय घेतले आहे
इतक्या वर्षामध्ये हे संपूर्ण देशातील नागरिकांना फसव्या योजना म्हणून ठरलेलं आहे आणि या सर्व योजनांचा निषेध म्हणून आज आम्ही हे महाराष्ट्रभर आंदोलन करत आहोत। गोंदिया जिले के निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल के शिंदे ग्रुप को समर्थन देने को लेकर गोंदिया शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आज विधायक विनोद अग्रवाल के कार्यालय में सुरक्षा पुलिस के समक्ष ही तोड़फोड़ हमला कर दिया। उस समय शिवसेना के कार्यकर्ता लाठी डंडों से लैस थे और पुलिस सिपाही मुखदर्शक बने हुए नजर आए। संगठन के कार्यकर्ताओं को पता लगते ही गोंदिया सिटी पुलिस स्टेशन में शिवसेना की ओर से तोड़फोड़ के तीव्र विरोध में कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंचे। इनके दफ्तर पर और इनके निवास स्थान पर आज दोपहर 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में कुछ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और गाली गलौज करते हुए कांच पर पत्थरों से मारा, लाठियों से मारा और विनोद अग्रवाल मुर्दाबाद ऐसे नारे लगाए। और इस घटना के वक्त ऑफिस में गोंदिया विधानसभा के सामान्य नागरिक भी उपस्थित थे, उन पर भी पथराव किया गया, पानी की कैंस को तोड़फोड़ किया गया। यह एक बहुत ही निंदनीय घटना है और विनोद अग्रवाल जी एक मिलनसार व्यक्ति, अपक्ष आमदार है और वह सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार अपना रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर शिवसेना के कार्यकर्ता इस प्रकार से अगर उनका अपमान करते हैं और उनके निवास स्थान पर और उनके कार्यालय पर अगर इस प्रकार से हमला करते हैं, यह लोकशाही के खिलाफ है और निश्चित तौर पर पुलिस विभाग ने इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना के 40 विधायकों की बगावत ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। उन बागी विधायकों के खिलाफ शिवसैनिक नाराज है। राज्य में कई जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं तो कई विधायकों के कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है। यवतमाल जिले के पूर्व मंत्री विधायक संजय राठौर ने भी शिवसेना के खिलाफ बगावत कर दी है। यवतमाल में पूर्व मंत्री विधायक संजय राठौर ने भी शिवसेना के खिलाफ बगावत करने की वजह से इन सभी विधायकों के खिलाफ और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन में नाराज शिवसैनिकों ने रविवार को यवतमाल में मार्च निकाला। इस मौके पर नाराज शिवसैनिकों ने मंत्री एकनाथ शिंदे और विधायक संजय राठौर के विरोध में नारेबाजी की और सांकेतिक पुतले जलाए गए। आने वाले चुनाव में उन विधायकों को सबक सिखाए बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। हम सभी शिवसैनिक पदाधिकारी कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के हैं और उन्हीं के साथ आगे भी रहेंगे। ऐसी प्रतिक्रिया इस समय पदाधिकारियों ने दी। शिवसेनेचे बंडखोर आमदार हे गुवाहाटीला आहे, सर्वांना माहित आहे। आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व शिवसैनिक पदाधिकारी हे उद्धव साहेबांच्या सोबत आहे, यासाठीच आजचा हा मोर्चा आहे। या मोर्चामध्ये जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी, सर्व शिवसैनिक यांचा या बंडखोरामुळे आत्मा दुखलेला आहे आणि या ठिकाणी आक्रमक होऊन स्वयंस्फूर्तीने सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी आलेले आहे। या गद्दारांना येत्या निवडणुकीमध्ये धडा शिकवल्याशिवाय शिवसैनिक स्वस्थ बसणार नाही आणि आम्ही सर्व पदाधिकारी शिवसैनिक हे उद्धव साहेबांचे आहे आणि उद्धव साहेबासोबत यापुढेही राहणार आहे। ही पूजा चव्हाण प्रकरणाचं नेमकं काय झालं हा महाराष्ट्राचा जो प्रश्न पडलेला होता ना, तो प्रश्न आम्ही पूर्णपणे उजेडात आणू आणि त्यांनी बंजारा समाजाची फसवणूक केली आणि बंजारा समाजाची पोरगी मारली आणि बंजारा समाजाची फसवणूक करून राहिला असतो की बंजारा समाजाला आम्हाला दाखवून द्यायचा आहे की हा माणूस हा त्यांचा नाहीच आहे, हा बेईमान आहे, गद्दार आहे, हा बंजाराला समाजाला सुद्धा गद्दार आहे, हे सर्व आम्ही जनतेला दाखवू। काय इशारा आपण आता संजय राठोड यांना यापुढे देणार आहे आणि सगळ्या शिवसैनिक कशा पद्धतीने एकवटले? संजय राठोड यांना फार प्रेम दिलं आम्ही, त्याला आत्ताही वेळ आहे, त्यांनी आत्ताही नाही का पटकन गुवाहाटी सोडून मातोश्रीमध्ये येऊन जावं, साहेबाची माफी मागून घ्यावी, त्याला आत्ताही चान्स आहे। परंतु जर समजा तो करणार नाही तर त्याला यासमोर जिल्ह्यामध्ये मात्र आम्ही फिरू देणार। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी शिवसेनेमध्ये बंडखोरी निर्माण झालेली आहे आणि सन्माननीय उद्धव साहेबांनी या ठिकाणी त्यांनासुद्धा आवाहन केलं होतं की तुम्ही या बसा, चर्चा करा, काहीतरी मार्ग निघेल। परंतु या ठिकाणी आजच्या क्षणापर्यंत मार्ग निघाला नाही। या ठिकाणी जवळपास 40 ते 50 शिवसेनेचे आमदार हे बंडखोरी केलेले आहेत, त्याचा जाहीर निषेध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी शिवसेनेचे
संपूर्ण कार्यकर्ते शिवसैनिक या ठिकाणी जमा झाले। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।